नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। खबर औरैया से, बुधवार की बीती रात फगुंदा छल्ला मार्ग पर एक गांव के सामने रोड पर बने मकान ने चोरों में धावा बोल दिया है। घर में माँ बेटी अकेली थी। घटना स्थल पर रोड के नीचे पुलिस को एक बाइक भी पड़ी मिली है, जिसको पुलिस थाने ले गई है। थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर निवासी सुरेंद्र ने पिछले महीने फफूंदा छल्ला रोड पर गांव सहदुल्लापुर के सामने नया मकान बनवाया है। पत्नी सुहागवती और बेटी रचना साथ में नए मकान में रहती हैं। सुहागवती ने जानकारी देते हुए बताया कि पति 2 दिन पहले काम करने के लिए दिल्ली चले गए हैं। बुधवार की बीती रात किसी ने 2 बार घर का मेन दरवाजा खटखटाया। हम माँ बेटे जाग गए, लेकिन दरवाजे पर नहीं गए। आंगन का दरवाजा भी डर के कारण बंद कर दिया और चुपचाप लेटे रहे। रात लगभग 1 बजे आंगन का दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो कमरे का दरवाजा खुला था। शंका होने पर अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखा बैग खुला था, कुछ कपड़े फैले पड़े थे। रात में 2 बार मतलब गेट से आवाज आई, खूब जोर से आवाज भटका है दरवाजा। हमने सोचा ये हवा में भटक रहा होगा, मतलब हिल रहा होगा हवा से। फिर हमें मतलब बेचैनी सी हो गई, नींद नहीं पड़ी है। सो हम फिर उठे रात में, सो उठ के और ऐसे शाम के दरवाज़ा बंद करके हम सोए। लाइट हती नहीं, अंधेरी छाई थी यहाँ पर। सो हमने बड़ी टोर्च उठाई और उठे तो हम देखे, हमने कि पता नहीं हमें बेचैनी सी लगी। सो हम देखो तो ये दरवाज़ा खुला। सो हमने लड़की से कही, बुढ़िया तुमने दरवाज़ा खोलो है भाई? सो ये कह रही है कि नहीं मम्मी, हमने नहीं खोलो। सो हमने कि लिया ऐसा बाई चांस हम भूले गए हो, कोई बात हो, ले हम ये दरवाज़ा अपने बंद कर ले। तो चोरी हुई है आपकी? हाँ जी। कितना नुकसान हुआ? हमारा मतलब 6,000 रुपया जी, और ये चांदी का जेब है और 6,000 रुपया। 6,000 रुपया? हाँ जी। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, रात के फिर पुलिस का सूचना, पहले सबका बुलाया, वो उनके आने के बाद फिर हमने पुलिस का सूचना। अच्छा, जो चोर कोई चीज़ छोड़ गई आपने? नहीं, कुछ नहीं छोड़ गए, जो उसमें सामान। बाइक बता रही हैं? हाँ, बैग वहाँ छोड़ के गए हैं रोड पर। हाँ, और जो यहाँ सामान बैग में मिला वो नहीं छोड़ा कुछ, और बटुआ उनने 2 बार फेंक दिया। तो आपने थाने में तहरीर दी? नहीं, अभी नहीं दी, देने जा रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।